वेलकम टू बाजी की दुनिया कनाडा में एवरीवन। और आज का जो मेरा नाश्ता है ना, ये अम्मी जान के घर से शुरू हुआ है, क्योंकि कभी कभार अम्मी जान मुझे कॉल करती हैं और कहती हैं कि नाश्ता साथ करते हैं। तो मैं अम्मी जान के घर गई, बहुत मज़ेदार सी चाय बनी हुई थी, देसी चाय, साथ में दाल, भुनी हुई दाल थी। एक्चुअली आई वेरी लाइक द दाल, तो मैं तो उसमें दाल खाने गई थी, बिकॉज़ अम्मी जान ना बहुत मज़ेदार सी एक दाल बनाती हैं, आई डोंट नो व्हाट्स कॉल्ड, बट इसकी भुनी हुई दाल ना बहुत मज़े की होती है इस दाल की। तो अगर आप इसको अदरवाइज बनाएं तो इतने मज़े की नहीं लगती, इससे ये दाल गोश्त बहुत मज़े का लगता है। और ये देसी चाय तो मैं घर पर नहीं बनाती, घर पर तो कॉफ़ी चलती है। सो आई थॉट हाउ अबाउट अम्मी जान के हाथ का पराठा खाया जाए, साथ में दाल, अंडा और चाय। हमारी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम होना, अगर कोई बीमार हो, नॉट फीलिंग वेल, तो ना मुझे तो एक ही चीज़ ख्याल आता है कि अम्मी जान के घर जाया जाए, वहाँ जाके ठीक हो जाते हैं हम, चाहे कोई भी बीमार हो, मेरे बच्चे बीमार हो या मैं बीमार हो। सो अगर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, मैं कहती हूँ अम्मी जान के घर आ रही हूँ, एंड आई फील बेटर इमीडिएटली। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, मे बी इट्स द कम्फर्ट ऑफ अ मदर दैट मेक्स यू फील बेटर। तो अकेले घर पे हों तो मुझे बस फील होता रहता है कि यू नो आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अकेली हूँ, तो बस अम्मी जान मुझे बस नाश्ता ही बना कर दे देती हैं ना, वो भी काफ़ी होता है, एंड दैट मेक्स मी फील बेटर। सो कल मुझे जो चोट लग गई थी मेरी नी पे, इट गॉट इन्फेक्टेड, तो मैंने अम्मी जान को कॉल किया था, मैंने कहा अम्मी जान मुझे ना नी पे बहुत इन्फेक्शन हो गया, तो मैं क्या करूँ। तो अम्मी जान ने कहा घर आओ, नाश्ता वगैरह करो, I'll give you the way to eat and we'll see what to do about it. थोड़े remedies होती हैं इधर उधर की जो कि work कर जाती हैं हमारे घरों में ही। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो एक mother का comfort zone होता है ना, वो आपको कहीं से नहीं मिलता। Honestly, father का comfort zone भी बहुत होता है, like पापा ने मुझे Advil दी, उन्होंने कहा फिक्र नहीं करो, ये सिर्फ Advil खाओ, थोड़ा ना ब्रूज नीचे जाएगा, you feel better। ये फ़ोन सेल पे है? हाँ, ये सारे बेच कितने का बेच रहे हो तुम? सारे बेच के एक आईफोन 15 प्रो तो ले। अच्छा बताओ कितनी किडनियाँ बेची हैं ये खरीदने के लिए? अच्छा तो यहाँ पर फोन सेल पे हैं, जिसको चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईच फोन इज सेलिंग फॉर $2,000, वो इसलिए, ये वैसे इसकी प्राइस 1500 है, मैं 2000 के इसलिए बेच रही हूँ क्योंकि जाहिर है बिकॉज आई एम अ यूट्यूबर, बाजी की दुनिया हूँ, तो मेरी ब्रांड की वैल्यू है। ये बाजी की दुनिया ब्रांडेड फोन है। और यहाँ पर अब मैं आपको ना एक चाय दिखाने वाली हूँ, नहीं नहीं चाय नहीं है, ये एक्चुअली एक पाउडर है जो मैं आजकल पीती हूँ, फॉर इट बूस्ट्स इन योर एनर्जी, और ये आपको बहुत चीज़ों में हेल्प करता है ऑनेस्टली, और ये आपका स्ट्रेस लेवल और आपका डिप्रेशन लेवल को कम करता है, एंग्जाइटी को कम करता है। तो ये पाउडर ना मैं लेकर आई हूँ हेल्थ प्लैनेट से, और मैंने सोचा मैं इसको ना बना कर दिखाती हूँ। कभी मैंने बताया तो था आपको हेल्थ प्लैनेट से मैंने ख़रीदा था, तो इसको मैं पानी में डालती हूँ 1 टीस्पून और इसको पी लेती हूँ, और इसका इतना गंदा टेस्ट है ना, इतना गंदा टेस्ट है इसका कि इसको पीना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी ये पी रही हूँ बिकॉज आई बिलीव इट्स हेल्दी। ये अदरक की तरह का एक कोई रूट प्लांट है, और इन्होंने इसका पाउडर बना के बेच रहे हैं, और ये आयुर्वेदिक दवाइयों में यूज़ होता था वंस अपॉन अ टाइम, तो मैंने सोचा चलो लेट्स ट्राई इट आउट एंड इट रियली वर्क्स। कभी मैं बहुत डाउन होती हूँ या फिर मुझे लगता है कि आज दिन कुछ फ्रेश नहीं है, उस दिन मैं ही पीती हूँ, हर रोज़ नहीं पीती। एंड ये एयरपोड अगर आपको याद होगा गाइस, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, अगर आपने मेरे पाकिस्तान का वीडियो जो मेरी ट्रिप थी वो देखी है, जो कि थी शिकागो टू दुबई, तो ये एयरपोर्ट शिकागो एयरपोर्ट है, और मेरे शोहर गए हुए थे ना अभी 1 महीना पहले यहाँ पर शिकागो गए हुए थे, तो उन्होंने मुझे अगेन वीडियो बनाकर भेजी है शिकागो एयरपोर्ट की, एंड आई वाज लाइक, मैं भी जब वीडियो एडिट कर रही थी ना, उन्होंने मुझे एयर ड्रॉप किया, उन्होंने कहा कि मेरा ना ये डालना, वीडियोस मैंने बनाई थी तुम्हारे लिए यूट्यूब के लिए। और जब मैंने ये वीडियोस देखी, मैंने कहा यहीं से तो हम गुजरे थे जब हम शिकागो टू दुबई गए थे, दुबई टू पाकिस्तान गए थे। तो अगर आपने मेरा वो ट्रिप नहीं देखा हुआ तो आप ज़रूर देखना यूट्यूब पर, बहुत ही अच्छा वो ट्रिप है, बल्कि लोगों ने तो बहुत पसंद किया है वो, अच्छी वीडियोज़ लोगों ने बहुत व्यूज़ दिए उसको कंपेटिवली। एंड हियर ही वॉज इन शिकागो, तो जो मेरे शोहर ना मुझे हमेशा वीडियोस बनाते हैं मेरे लिए, और वो मुझे ना फिर कहते हैं कि यूट्यूब पर डाल देना।
और हालांकि मैं तो पसंद करती हूँ सिर्फ अपनी ही वीडियोस डालना जो मैं बनाती हूँ, लेकिन अगर कोई इतने प्यार से मुझे कोई वीडियोस दे देता है तो मेरा दिल नहीं करता मैं इनकार करने को। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आई डू दिस फेवर टू यू, आई शो योर कॉन्टेंट ऑन माई यूट्यूब विच इज़ नॉट व्हाट आई वांट, बट हेयर दे आर। एंड यहाँ पर वो नाश्ता कर रहे हैं जिस होटल में रहे थे, बड़ा मज़े का नाश्ता है। हालाँकि ये नाश्ता मैंने भी दिखाया है शिकागो एयरपोर्ट का। एक्चुअली मैंने आपको शिकागो एयरपोर्ट का नाश्ता नहीं दिखाया, वो वीडियो मैंने एक डालनी है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा मेरा चैनल टेक ऑफ करेगा ना, तब मैं वो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो दिखाने वाली हूँ। बहुत लंबी स्टोरी थी जो मैंने अभी डाली नहीं है यूट्यूब पर, वो थी मेरे पाकिस्तान से कैनेडा वापस आने की। बहुत ही कोई ट्रेजिक स्टोरी थी। आई एम गोना शो वन डे बट इट्स नॉट द टाइम येट। और गाइज यहाँ पर ना मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ, तो अगर तो मुझे इस पर कोई 1000 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं वो वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैंने बताना है कि हुआ क्या था तब। एनीवेज हैव अ ग्रेट डे।